अच्छा दिल्ली की आपने बात की, वो वहाँ पे फ्री बिजली देते हैं दिल्ली वाले, दिल्ली की सरकार वाले, तो आप कहते हो ये फ्री भी है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन आप भी तो यहाँ पे दे रहे हो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो, ये सब दे रहे हो, तो उनकी पॉलिटिक्स गलत और आपकी सही क्यों? नहीं, आप तो भाजपा वालों की तरफ बोल रहे हो, दिल्ली वाले नहीं बोल रहे हैं। नहीं, जो दिल्ली वाले भी फ्री में दे रहे हैं बिजली जो स्कीम चलाई थी उन्होंने, उसी तरह आप भी देखिए, तो। हाँ यदि बिजली की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में, अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में ही शुरू हो गया था। हाँ यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो 30% 30 यूनिट तक की बिजली फ्री, ये तो गरीबी रेखा नीचे वालों को पहले से मिलता था जब मध्य प्रदेश में थे तब। उसी समय आप देखेंगे कि जो 5 हॉर्स पावर और 3 हॉर्स पावर तक के बिजली बिल में छूट दिया गया था ताकि किसानों को सुविधा हो सके, किसान बढ़ सके, क्योंकि सिंचाई का रकबा, सिंचित रकबा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में कम ही था, तो इसलिए उनको सुविधाएं दी गई। तो वो ये कोई केजरीवाल ने शुरू नहीं किया है, बहुत पहले से अर्जुन सिंह जी के समय से, फिर दिग्विजय सिंह, मोतीलाल वोरा, दिग्विजय सिंह, सबके समय से चला आ रहा है। ये बताइए, क्योंकि वो अपने दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, एक गुजरात मॉडल चल ही रहा है, आप छत्तीसगढ़ मॉडल बोलते हैं, अब ये छत्तीसगढ़ मॉडल है क्या? देखिए, जो गुजरात का मॉडल मैंने देखा 9-10 सालों में, उसमें ये हुआ है कि लोग जो उसकी स्थिति थी उसमें उसकी स्थिति और कमजोर होती गई, कुछ लोग हैं वो बड़े मजबूत होते गए। और गुजरात मॉडल ये है कि आम जनता की जेब से पैसा निकाल के कुछ चंद लोगों के जेब में डाल दिया जाए, ये गुजरात मॉडल। छत्तीसगढ़ मॉडल ये है कि छत्तीसगढ़ के खजाने के पैसा है वो छत्तीसगढ़ के लोगों का है, और इसलिए खजाने का पैसा किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, महिलाओं को, वंचित वर्ग के लोगों को हम दे रहे हैं। तो यहाँ आम जनता है वो मजबूत हुआ है। उसका उदाहरण मैं दूंगा कि पूरे देश में कोरोना काल में मंदी का असर था, आप खुद अनुभव करें, मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं, मीडिया हाउस की हालत खराब थी, बहुत सारी छटनी भी किए, बहुत सारे लोगों की सैलरी में कटौती की गई, सांसदों के सैलरी में कटौती की, एमपी लेड में कटौती बंद कर दिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में ना हम छत्तीसगढ़ विधायकों की सैलरी कम किए, न कर्मचारियों की सैलरी कम किए, बल्कि उस समय जरूरतमंद लोग, हमारे किसान हैं, उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पहला किस्त 1500 करोड़ रुपये किसानों खाते में डाला, और उस समय मनरेगा शुरू किया, बहुत लोग हाई कोर्ट पहुंचे, भाई इसको रुकना चाहिए मनरेगा में, और 26 लाख लोगों को मनरेगा के माध्यम से गरीब लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। तीसरी बात मैं और बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ वनाच्छादित है और लघु वनोपज खरीदी का समय वही रहता है, मार्च अप्रैल में आप देखेंगे तेंदू पत्ता संग्रहण करते हैं, इमली का है, महुआ का, आम का भी सीजन रहता है, तो इसको संग्रहण करते हैं। उस समय लॉकडाउन में कोई खरीदी नहीं हो रही थी, सरकार ने उसका समर्थन मूल्य बढ़ा के खरीदी किया, मतलब हर वर्ग के लोगों के जेब में पैसा पहुंचाने का काम किया। एक तरफ लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो सबकी चिंता ये थी कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, और उस समय छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 महीने का राशन एक साथ पहुंचाने का सबसे पहला निर्णय हमारा है, छत्तीसगढ़ का राशन भी पहुंचाया और लोगों की जेब में पैसा भी पहुंचाया, तो आर्थिक रूप से कम से कम निश्चिंत रहे छत्तीसगढ़ के लोग, ये काम हमने किया। तो हम मान लें कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है वो हिट है, क्योंकि आपके देखरेख में हिमाचल प्रदेश के चुनाव भी हाल ही में कांग्रेस जीती है। लेकिन जो 2500 रुपये आपने युवाओं को जो बेरोजगार भत्ता शुरू किया है, आप समझते हैं कि गेम चेंजर साबित होगा वो आगे आने वाले चुनावों नहीं? में? देखिए, मैं जब ये बेरोजगारी भत्ता बांटा उस समय भी मेरा बयान पढ़ लीजिएगा, मैं बेरोजगारी भत्ता दे के खुश नहीं हूँ, मैंने ये कहा। मुझे खुशी तब होगी जब उस व्यक्ति, उस नौजवान के हाथ में रोजगार होगा, उसके हाथ में रोजगार होना चाहिए, और उसके लिए मतलब केवल बेरोजगारी भत्ता दे दिए और हमारे दायित्व खत्म हो गया ऐसा नहीं है, उसके बाद उसे ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू होता है। और वो, और उसके साथ साथ अभी अभी मैं गया था कोंडागांव जिला, वहाँ 500-550 बच्चों को रोजगार का सर्टिफिकेट दिया, इधर बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं, इधर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उसको रोजगार रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। सर, शराबबंदी को लेकर ये शिद्दत सरकार की, बिल्कुल सही बात है, शराब क्या नशाबंदी होना चाहिए, तो इस सपने को कब पूरा करेंगे, तो आपके एजेंडे में भी था। बहुत सही बात है, 2 साल तो मेरे कोरोना में बीत गए, इस बीच में मैंने वही सोचा, देखा कोरोना काल एक ऐसा काल था जिसमें पूरे देश में लॉकडाउन था,
लॉकडाउन होने के बावजूद भी शराब पहुंचती रही। हमारे यहाँ फैक्ट्री बंद है तो आपके दिल्ली के बगल में हरियाणा, वहां से गाड़ी आई यहाँ पकड़ी गई। धार मध्य प्रदेश मतलब गुजरात के किनारे में है, धार के फैक्ट्री से शराब यहाँ पकड़ी गई। और उसके बाद सैनिटाइजर पी के लोग, कुछ लोग मर गए इसी राजधानी, हमारी राजधानी में। कुछ लोग हैं जो होम्योपैथिक जो सिरप है उसको पी के कुछ लोगों की जानी चली गई। तो ये तो लैंड लॉक स्टेट है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। तो ऐसे में यदि बंद करेंगे तो हाल गुजरात जैसे या बिहार जैसे जिसमें दर्जनों लोगों को मौतें हो रही है, और एक बार नहीं कई कई बार हो रही है। तो भाई मैं ऐसी कोई योजना नहीं लागू करूंगा जिससे लोगों की जान जाए, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो चाहे नोटबंदी की बात हो। आपने देखा कितने लोगों की जाने गई, कितने लोगों का रोजगार गया। तो मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। जरूर मैं कह रहा हूं कि हमने घोषणा पत्र में डाला है और हम अभी भी उस वादे से अडिग हैं, लेकिन ये सामाजिक बुराई है और समाज के अभियान चला के इसको दूर करने का काम होना चाहिए। जब तक के इसमें समाज में जागरूकता हम नहीं ला पाएंगे तब तक के, मतलब मुझे क्या है, मैं अभी बोलूंगा दुकानें बंद तो कल शटर बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जहरीली शराब पी के मरेंगे फिर उसका क्या होगा? लेकिन कोई रोड मैप तो तैयार हुआ होगा सरकार के, सोच रहे हैं उसका अध्ययन भी कर रहे हैं और लगातार उसे सोच भी रहे हैं कि कैसे होगा, क्योंकि यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। तो समाधान की दिशा में लगातार कोई अच्छा आइडिया आप भी बता दीजिए, तो वो आइडिया मिले तो मैं लोगों को बात बताऊं कि ये अच्छी आइडिया। मैं न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में गया था और मेरी छोटी बहन बैठी हुई थी, उन्होंने बढ़िया आइडिया मुझे दिया, तो ऐसा दीजिए तो मैं निश्चित रूप से उसे लोगों से बताऊंगा और कहूंगा कि इसको लागू करें। अच्छा, आपने सामाजिक मुद्दों की बात की। एक मुद्दा जो कुछ लोग कहते हैं कि सामाजिक है ही नहीं, सिर्फ उछाला जा रहा है, वो है, और कुछ लोग कहते हैं बहुत सीरियस मुद्दा है, वो है जबरन धर्मांतरण का, और उस पे राजनीति भी होती है। क्या इस तरह की बातें, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में भी ये बार बार उठता है, ये चुनावों में लोगों पे असर डालती हैं? जब आप लोगों पे जाते हैं तो क्या कहते हैं लोग? देखिए, एक चीज़ है कि धर्मांतरण का मुद्दा जो है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोपा गया मुद्दा है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जब चुनौती देता हूँ और महीनों से दे रहा हूँ कि 15 साल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा चर्च बने तो चुप हो जाते हैं, उसके पहले उतने नहीं थे और उसके बाद नहीं बने, सबसे ज़्यादा बना उनके समय में। अब कोई भी आस्था का जो केंद्र है वो तब बनेगा जब उसके मानने वाले रहेंगे। मैं हिंदू हूँ तो मैं मंदिर बनाऊंगा, तो पहले हिंदू होना जरूरी है ना, तब तो मंदिर बनेगा। कोई यदि सिख है तो सिख होना जरूरी है, तब तो वहाँ गुरुद्वारा बनेगा। तो उसी प्रकार चर्च तब बनेगा जब वहाँ उसके मानने वाले लोग होंगे। तो सबसे ज़्यादा चर्च किसके समय बना? भारतीय जनता पार्टी के समय। तो इसका मतलब यह कि धर्मांतरण उसके समय ज़्यादा हुआ। जब इस आंकड़े की बात करता हूँ तो चुप हो जाते हैं। दूसरी बात यह है, धर्मांतरण का मुद्दा जो है आखिर ये स्वीकृत कहाँ से होगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से। तो सरकार केंद्र में किसकी है भाई, क्यों नहीं कर लेते? डिलिस्टिंग का मामला हो चाहे धर्मांतरण का मामला हो, ये केंद्र का विषय है, पूरे देश में लागू कर लेना। भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्यों हल्ला कर रहे हैं? लोकसभा अभी आने वाला है, उसमें बिल लाए, पारित करे, लागू कर दे। अरे भाई, दिल्ली सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ट्रांसफर करने का अधिकार है, दूसरे दिन अध्यादेश ले आए कि आप नहीं कर सकते।